दोस्तों एक्टर चंकी पांडे के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जितनी फैन फॉलोइंग उनकी इंडिया में है उससे कई ज्यादा बांग्लादेश में, वो वहाँ के बड़े सुपरस्टार्स में से एक गिने जाते हैं। दरअसल 1987 में आगी आग फिल्म से चंकी पांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें सपोर्टिंग रोल से मिलने लगे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया था और बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री में काम करने चले गए थे और वहाँ जाते ही वो बड़े सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि चंकी पांडे को ज्यादा पॉपुलैरिटी 1993 की आंखें फिल्म मिली थी, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर पहले दिव्या भारती को लिया जाने वाला था, बाकायदा उनका नाम भी फाइनल कर दिया गया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो फिल्म में चंकी पांडे के अपोजिट है तो वो नाराज हो गई थी और उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। साल 2018 में चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को लेकर कहा था कि मुझे बॉलीवुड में उस तरह का काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहता था। फिर मैंने एक दोस्त थे मुझे बांग्लादेश में एक फिल्म करने के लिए फोर्स किया, पैसे अच्छे थे और उस समय मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो मैंने बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी शादी होने तक 5 साल तक मैंने वहाँ काम किया।